वक्त बच्चन परिवार काफी ज्यादा लाइम टाइम में है, या फिर हम ये कहें कि ट्रोलर्स के निशाने पर है। एक समय पर इस परिवार को फैंस जो है आइडियल माना करते थे और बताया जाता था कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में सिर्फ यही एक फैमिली है जिसने अभी किसी को धोखा नहीं दिया और अब तक इस परिवार में किसी का डिवोर्स भी नहीं हुआ था। और अब आपको बता दें, ऐश्वर्या राय बच्चन और साथ ही आराध्या बच्चन ने हर किसी के इरादों पर पानी फेर दिया है और लगातार अब इस परिवार से झगड़े की खबरें सामने आ रही हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि काफी समय से ऐश्वर्या राय बच्चन फैमिली के साथ नहीं रह रही हैं और उनकी बेटी आराध्या भी अपनी मॉम को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही हैं। और अब आपको बता दें कि आराध्या बच्चन और साथ ही ऐश्वर्या राय बच्चन ने जया बच्चन के ऊपर बहुत ही अजीबोगरीब बयानबाजी की है, जिसके बाद फैंस की निगाहें एक बार फिर से बच्चन परिवार की ओर टिक चुकी है। बताया जा रहा है कि जया बच्चन और साथ ही ऐश्वर्या राय बच्चन की बीच हुई फाइट की वजह से इस वक्त इसका सीधा प्रभाव जो है आराध्या बच्चन के ऊपर पड़ा है, जिसके बाद आराध्या ने मीडिया रिपोर्टर्स के सामने दादी जया बच्चन के बारे में बोलने से भी इनकार कर दिया, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये खबरें सामने आ रही हैं कि ऐश्वर्या राय बच्चन और साथ ही अभिषेक बच्चन का डिवोर्स बहुत ही जल्द हो सकता है। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन ये भी आ रही है कि काफी समय से आराध्या बच्चन और साथ ही ऐश्वर्या राय बच्चन बच्चन परिवार के साथ नहीं रह रहे हैं। दोस्तों, क्या कुछ कहना है आपको इस रिपोर्ट के बारे में, कमेंट के जरिए हमें अपनी राय शेयर जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हर खबर लगातार सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल नॉलेज ट्विस्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।